दोस्त को, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं अचानक में, वो भी शॉक में, अरे आपको 3 दिन का स्टे अचानक कैसे जा रहे हो, बट अचानक में ही भयानक मज़ा आता है। तो अभी हम मनाली जा रहे हैं, यहाँ पे एक डिप्रेशन मैन है, इसको फुल टेंशन आया है कि ये बस में कैसे सर्वाइव कर पाएगा, मेरा नया व्लॉग चालू होने वाला है। हाँ, क्योंकि ये डरता है, ये आज तक मनाली गया नहीं है, रीज़न है बस। लेकिन आज मैंने इसको बोला कि कुछ करते हैं, चल चलते हम जाएंगे, बाबा जमाल दास का चूरन इसको खिलाएंगे और ये मचाएगा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए, ये देखो सामान प्रॉपर, और ये है गेट नंबर 26, ये मेट्रो जंक्शन है, यहाँ पे अभी आए और वहाँ पे ये जो लोग रहे हैं दिल्ली जाने वाले लोग, सॉरी दिल्ली नहीं मनाली, और हम भी मनाली जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे वो जिगविल्स में मैंने रजिस्टर किया है और हमारी बस आने में 25 मिनट लेट है, तो मैं वहाँ पे इंक्वायरी करने गया था, तो हमें ये त्रिपाठी साहब मिले हमारे, ये अभी अभी यहाँ पे आए, और मतलब कहाँ कहाँ लोग पहचान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट्र में हर जगह लोग पहचानेंगे, अच्छी प्राउड चीज़ है, लेकिन दिल्ली में भी अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर। अभी पहचान वाला बंदा मिलता तो टेंशन कम हो जाता है आधा, कि हाँ चलो ये जरा ध्यान रखेंगे चीज़ों पे। ये है हमारी प्यारी सेमी स्लीपर बस, यहाँ पे चार्जिंग है बट चार्जिंग टाइप सी टू टाइप मतलब नहीं है, तो USB चाहिए। और रानी जी अभी यहाँ पे बैठे हैं, वन साइड काम 25 हो रहा है, बस जितना मैंने सोची थी उतनी अप टू मार्क नहीं है, बट ठीक है, नॉट बैड, मजा आएगा, एंजॉयमेंट फुल है। तो बाजू वाली सीट का निकाल के स्टार्ट करके चिपका दो इधर, अच्छा वही लेके आए। सुबह के 4:30 बज गए और अभी हम कहाँ पे आ रहे अपन, ये कुल्लू, पता नहीं कुल्लू नहीं आए बट कहीं पे आए उल्लू, और इतनी ठंडी लग रही है आपको भाई, और मैंने यही कपड़े पे जोर डाली है, यही जैकेट पे, क्योंकि यही जैकेट मेरी लाइफस्टाइल बन गया है। और सब लोग वन साइड उल्टियाँ कर रहे हैं बस में, बक्का बक बक्का बक बक्का कंटा नुस्ता कंटा नुस्ते वैक वैक। और ये बंदा जो है बस ड्राइवर, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको शपथ दी कि अगर तू जल्दी आया नहीं तो मैं दूसरे के साथ शादी कर लूँगी, इसलिए वो कुत्ते की तरह भगा रहा है गाड़ी। लेकिन अभी थोड़ा सा कितना 100 किलोमीटर बाकी है बस, और बहुत मस्त वातावरण, लेकिन चीड़ है, डेंजर चीड़ है, डेंजर। हम मनाली में घुस चुके हैं और आप बर्फ देख सकते हो पत्थरों पे और डोंगरों पे, वन साइड एंट्री, फर्स्ट टाइम एंट्री बच्ची के दिल में, और मैं मस्करी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर है और मेरी चड्डी फट रही है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी तक। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी ठंडी है कि क्या ही बताए, और वो देखो पीछे वन साइड बर्फ भी, बर्फ यहाँ पे पड़ी नहीं है, जहाँ से मैं उतरा ना वहाँ से बाबा ऐसा लगा फ्रीजर में घुसेड़ा है मेरे को। और मैंने ये कान को और प्रोटेक्शन के लिए ये जैकेट, अंदर एक और जैकेट और टी शर्ट प्रोटेक्शन लिया है क्योंकि कपड़े ही नहीं है। और राणे ने मुझे ये एक ग्लव दिया, दूसरे हाथ में ग्लव नहीं है जिसमें मोबाइल पकड़ा है। अभी हम वो राणे के किसी पहचान वाले होटल पर जा रहे हैं। आईची चिप्पी भवनो आईची चिप्पी, हे वह परिस्थिति, वह परिस्थिति, वह परिस्थिति, गाड़ी में हीटर है, चाचा ने जान बचा ली, आईची कट कट, रानी को कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या खा क्या है पता नहीं, मेरी हालत खराब है। ओह यार, व्हाट अ लवली सीनरी बेबी डॉल। ए रानी जी ने बुक किया हुआ है शायद ग्लेशियर रिसोर्ट, बोल रहे कि यहाँ पे नहाने के लिए बाथ टब वगैरह है, और वो पीछे बर्फ दिख रही है आपको, अच्छा गॉड। अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, अभी मेरी ताकत बढ़ रही है, अभी मैं जरा सा कर रहा हूँ फील, क्योंकि जब उतरा तब बर्फ में आया था, अभी जरा मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। वो लोग बोल रहे किधर घूमने गए, मैंने बोलो बस बर्फ में घूमने गए, बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ ही लाइफ है गाइस, बर्फ ही लाइफ है। दोस्तों अभी मैं टॉयलेट में आया हूँ, ये देखो हीटर है, वन साइड गर्मा गर्म, और यहाँ तुम्हारे अभी यहाँ पे मैं बसने वाला हूँ शी करने के लिए, लई चीड़ बांटने वाला है, चलो संडास को बैठते हैं। मैं भी सी कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो प्लीज ब्रो। गाइस यहाँ पे फ्रिज क्यों रखा है भाई साहब, अरे यहाँ पे फ्रिज की जरूरत क्या है, ऑलरेडी गार ठा है, अंदर भी गार, बाहर फ्रिज गर्म है। फ्रिज गर्म है भाई, ये फ्रिज में ठेव भाई हीटर सटी विषय। और रूम में ना दोस्तों यहाँ पे एसी होते हैं, पता है ना आपको रूम में एसी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हीटर है, ये यहाँ पे आप ऐसे हाथ गर्म कर सकते हो रिलैक्स बैठ के, उधर भी हीटर है, यहाँ पे लोग सोएंगे उनके लिए हीटर है, और ये अंदर वालों के लिए हीटर रखा हुआ है प्रॉपर एकदम। दोस्तों रात के 8 बज गए,
अभिजीत ने और मैंने देखी ये दो बाइक्स, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये बाइक लेके वो कौन सा अटल टनल है वहाँ पे जाए और बर्फ का मजा ले। मतलब कार से जाने से अलग बाइक से जाने में अलग मजा होगा। तो अभी यहाँ पे हम रेट निकाल रहे हैं और ये सर बोल रहे एक बाइक का 1500 कुछ, तो और अगर उन्होंने कम कर दिया तो और अच्छा है, एक लीटर पेट्रोल भी देंगे 1500। मतलब देखते हैं अभी कैसा क्या। तो डन ये हुआ, 1500 एक बाइक है, तो 1400 कर रहे हैं। कल तक हम उनको 1200 तक लाते हैं, अगर आए तो ठीक है, और बाइक लेके जाएंगे। स्पेशल राइडिंग गियर से 500 रुपये भाड़ा है, तो मैं राइडिंग गियर्स नहीं लूँगा, बस हेलमेट वो देंगे वो लूँगा, और बाकी मैं यहाँ से खरीदने वाला हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो सोचते कुछ तो आठवन लेंगे, बाकी अभी इन लोगों का ये लोग देख लेंगे, मेरे को क्या। सूर्य देवता आ रहे हैं, एक्चुअली हमने किंचित सा मिस किया, हमें यहाँ से सनसेट दिखने ही वाला था। उन्होंने बोला कि रूम पे डायरेक्टली सन की रेज आती है और रूम एकदम गर्म हो जाती है, टेंशन नहीं है। ये देखो अभी आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये माहौल है मेरी कमामोड़ा, लप्पा लप्पा बटाटा वड़ा। अभी हम मार्केट एरिया में फाइनली पहुंच गए और यहाँ पे इतनी चीड़ वातावरण है ना कि क्या ही बताएं। यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, शौकीन लोगों की चीज़ें हैं। यहाँ पे पानी पूरी हम ट्राई कर रहे हैं पीछे, और वहाँ पे देखो भीड़ देखो कितनी, वहाँ पे भीड़ देखो, पता नहीं वहाँ पे क्यों इतनी भीड़ है इतनी रात को, बट भीड़ है। और यहाँ पे सब चीज़ें खाने लायक, और सारे लोग हैं ना बहुत ही प्यार से बात करते हैं आपसे, मतलब आप उनके अभी राणे जी हर एक की खिंचाई कर रहे हैं लेकिन उनको रिप्लाई प्यार से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात मैंने बहुत कम ऑब्जर्व की हुई है। ये देखो पानीपुरी खा जा रहे वंस फॉर अवर उम्बा, पानीपुरी रे पानीपुरी, पानीपुरी रे पानीपुरी। जैसे ठंडी बढ़ रही है ना, जैसे अभी यहाँ पे टेम्परेचर अभी फिलहाल -1 के आसपास कुछ है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, ठंडी कम होती, शरीर अभी सहन कर रहा है ठंडी, ऐसा लग रहा है कि अपन बर्फ में भी हो लेंगे। खाना खा लिया, अभी थोड़ा सा सोएंगे क्योंकि सुबह जाना है बर्फ देखने के लिए। यहाँ पे अभी टेम्परेचर 0 हो चुका है, मतलब माइनस में जाने वाला है थोड़ी देर में, और मैं यहाँ पे ओपन घूम रहा हूँ। इतना कुछ नहीं है, शुरुआत में बहुत ठंड लग रही थी, बट अब रिलैक्स लाइफ लग रही है, ऐसा कुछ नहीं किया, तुम घूम नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, बॉडी अडेप्ट हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। ऐसे वो मुझे बोले, वो बोले कि अगर तुम सहन कर पा रहे हो तो मत करो, पहनो क्योंकि वो डेंजर है। मैंने बोला ठीक है, फिर भी मैंने नहीं पहना। कल पहनेंगे, बाहर निकलेंगे तब।
मॉर्निंग दोस्तों, हम अभी निकल चुके हैं बर्फ ढूंढने के लिए। और जैसे कि अभी भाई हमेशा इनको खिड़की चाहिए होती है, रानी जी को खिड़की चाहिए होती है, इनको खिड़की चाहिए होती है, और मरण मेरा ही होता है, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से खिड़की चाहिए होती है। अभिजीत को अगर आप बीच में बिठाओगे तो उसको उल्टी आती है, इसलिए उसका वैयक्तिक विषय। रानी को थूकने के लिए खिड़की चाहिए होती है, मतलब उसको लाल जमती है ना, तो उसके लिए। और इसका मुझे पता नहीं क्या पर्सनल विषय। मैं गाइस पानी हूँ, मैं पानी बदलता हूँ। मुझे कीचड़ में डालो, मैं कीचड़ में मिक्स हो जाऊंगा। मुझे आप कमल में डालो, मैं कमल को खिलाऊंगा। मुझे आप टट्टी में मिक्स करो, मैं आपको एक प्रकार की वो दही बन जाऊंगा। ऐसा विषय क्या है? पानी है भैया, हमारी लायकी शून्य है। तो जाने दो आपको भैया, ट्रैफिक बहुत खेल रही है, बहुत ट्रैफिक है दोस्तों। मैं एक बात बताऊंगा कि मैं मार्गदर्शक हूँ, इसलिए मैं आगे बैठा हूँ, क्योंकि ऐसा। कौन सा मार्गदर्शक है आपने अब तक, ये बताइए। गूगल मैप भी ये सब मेरे को ही देखना पड़ता है, किधर जाना। बाप रे, इसलिए मैं आगे बैठा हूँ। देखो ते ड्राइवर का कमर हंसता है। बर्फ देखने के लिए जितनी एक्साइटमेंट मेरे अंदर है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब पहली बार बर्फ देखने वाले की ऐसी एक्साइटमेंट होती हो, जैसे मुझे लगता है। वो दूर दूर पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, देखो ना दूर दूर, वो देखो वहाँ पे आती जाएगा। पांक वो पहाड़ तो जबरदस्त लाल चक्का वाला। थंबा फ्रंट कैमरा सर, टेक टू। दोस्तों 100 किलोमीटर रास्ता चल रहा है। रियल में बर्फ देखने का जो फील है वो नेक्स्ट लेवल ही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। दूर दूर पहाड़ों में बर्फ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कब जाके पास से बर्फ देखेंगे। अभी वहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो पहाड़ों के कॉर्नर कॉर्नर में बर्फ, पहाड़ों के कॉर्नर कॉर्नर में बर्फ। लेकिन जब एक्चुअल में सामने देखूंगा तब मजा आएगा। और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है। रानी जी आपको कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकता। हम जहाँ पे रह रहे ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी जब रानी जी आए थे। फिर रानी जी ने जम के कोकम शरबत पिया था बर्फ में गर्म रहने के लिए, तो उनको ज्यादा याद नहीं है उनको बर्फ का विषय। तो अभी हम जाके उनको याद दिलाने वाले, क्योंकि मेरे साथ उनकी लाइफ बर्बाद है ना, कोकम शरबत नहीं पी सकते। देखो पफ, अभी ये जैकेट मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो पैसा दिख रहा है, मैं भी पहन लो। ये मेरा जो कपड़ा है वो निकालना पड़ेगा, 250 रुपीज सेकंड हैंड मतलब भाड़े पे जैकेट। इधर बर्फ में आपको एक्टिविटी करनी है तो ये बोलते हैं कि बर्फ में एक्टिविटी करने के लिए जैकेट जरूरी है। तो रानी जी बोल रहे हैं मैं नहीं पहनूंगा, वो बादशाह है तो वो नड़ेंगे। मेरा भी मन बोल रहा है पहनूं या ना पहनूं, देखते हैं। तो दोस्तों अभी मेरा होने के बाद इसका काम 25 होने वाला है। ऐसे मुझे वहाँ पे खेलने का है, तो ये बोल रहे हैं कि खेलने के लिए खेलने के लिए ऐसा ही चाहिए। तो ये लग रहा है रे, नहीं नहीं कौन बोल रहा है, कार्टून है ना, कार्टून नहीं नहीं F1 रेसर लग रहा है। ये खाली पीली भाव देता रहता है साला, इसका खर्चा करता है ना वो। बाप है मेरा, वो इधर दिखा, बाप है मेरा बाप, वो कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा और कल भी बोलूंगा। कौन मैटर कर रहा है, सूट होते का वाला? अभी सूट होते का? माफ चंपकलाल इससे मस्त लग रहा है। तो फाइनली ये देखो, थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है, देखो ये देखो पांडरी पांडरी। आईच्या गावात कुत्रा पहिल्यांदा बर्फ, आग बाग आग, येस तो मेरी पामे, बाप रे लग रहा है यही बर्फ है। ये देखो देखो ये देखो दूर से बर्फ, देखो दूर से क्लियर बर्फ दिख रही है। बाप रे पांडरी शुभ्रे का माझी बाइक, अटल टनल साउथ होटल वो अपने अटल जी के खास है, तो उनका टाइप से ये टनल बना है, फास्ट हुआ है। और अपने मोदी जी तो है, उन्होंने तो सपोर्ट है, तो ये अटल टनल की खासियत। और ये अभी अभी बना 1 साल और इसको बनाने में लगे 12 साल, बस इतना ही। बस मैं हार गया। फाइनली टनल खत्म होने को आया, तकरीबन 10 किलोमीटर का टनल है। मेरी जिंदगी में मैंने पहला इतना बड़ा टनल देखा है, जो एक्चुअल में इतना बड़ा है। ये पूरे पहाड़ के अंदर से जाता है, और मुझे बोला कि ये टनल के आप आर पार जाओगे तो जन्नत का शुरुआत हो जाती है, जन्नत चालू हो गई है। देखो दोस्तों
जन्नत चालू हो गई है मेरी जान। डिंग डिंग डिंगा का डिंग डिंग डिंगा। ओ ये आया हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर 6 दिखा रहा है, पता नहीं बट बर्फ कैसे है, आई थिंक वो कोल्ड दिखा रहा है, बट यहाँ पे अभी ये लोग थुप्पा वगैरह खा रहे हैं। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। ये देखो चील एकदम, ये देखो बर्फ, देखो आए आए मेरे बर्फ छुई पहली बार ऐसा हाथों से, एकदम मस्त वाटा, एकदम चिमचिमी चिमी चिमनी वाटा चिमनी। और यहाँ पे एकदम स्वच्छ वातावरण है, एकदम कड़क है। अभी हम वहाँ पे जाने वाले वहाँ पे, और वहाँ पे बर्फ में एंजॉय करेंगे और उसके बाद देखते क्या होता है। मैं पेटी पैक हो गया हूँ और मैंने सारा चीजें पहन लिया कि तुम कितने भी बड़े सोवा शेर हो, लेकिन तुम्हें पेटी पैक होना जरूरी है क्योंकि बाद में स्किन प्रॉब्लम होगी, ये हाथ वीट की वाट लगती है, तो रिस्क मत लो। मैंने अभी पेटी पैक खोला। ये देखो दोस्तों, वन साइड -4-5-6 degrees जा रहा है, जैसे एक एक घंटा बढ़ रहा है ना टेम्परेचर डाउन हो रहा है। वहाँ पे धूप है जो यहाँ तक नहीं आएगी, बहुत मस्त है। यहाँ पे एक ना वहाँ पे कोपरे में एक लड़की गिरी थी, वो बेचारी, उसको लग गया शायद थोड़ा सा, उसको फिर मेरे दोस्तों ने निकाला बाहर और हम अभी आगे आ रहे हैं। हाँ दोस्तों ने श्रीमान लेजेंड करके भाई मैं सद्या गाइस ए शूट एगे शूटिंग मार चालू से ब्लॉग में को चल चल मैं तो दौड़ा हूं। इसको वो लड़की की तीन लड़के गिरी होती ना, तीनों का ऐसे उठा के इधर रखना भाई, मेरा मैं डेंजर है, भगवान ने मेरे को अलग ही लेवल पे बनाए ले। और मैं भगवान का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी पावर दी, और अभी मैं वीआर गेम्स खेल रहा हूँ हैं। मैं अभी डाइट चालू करने, मतलब डाइट थोड़ा सा अनस्टेबल है मेरा, 2 दिन से मैं कुछ भी खा रहा हूँ। शूटिंग हो रही है ना ब्रो? हाँ। तो बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। चलो बर्फ में जाते हैं, मजा करते हैं। अभी हम देखो यहाँ तक आ गए और नीचे देखो कितने लोग हैं, बिना गिरे बिना पड़े मैं आ गया हूँ। ऊपर नहीं जा सकते और शायद, क्योंकि ये लोग हैं यहाँ पे ध्यान देने के लिए कि ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो मेरा प्लान था ऐसा घूम के उधर बर्फ़ है कि नहीं देखना, बट नहीं हो सकता शायद। और यहाँ पे वो उतनी डीप बर्फ़ नहीं है, लेकिन उस साइड पे थोड़ी सी है, उस साइड पे जाके हम देखेंगे बर्फ़ कैसी है। अभी जितराने नीचे ही रह गए, डेरिंग बाज नहीं है मेरे साथ, ये डेरिंग बाज है, इसने डेरिंग की और आ गई है, लेकिन उसका भी काम फिनिश हो चुका है। नहीं नहीं मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है, ये दिखते तो डर ना। और इतना ही था। स्थिति इंसान की बहुत तकलीफ देती है जब आपका वजन आपके शरीर के हिसाब के हिसाब से ज्यादा बढ़ता है। तो ये देखो, ये उतरने की तरीके देखो हैं, यहां सरक रहा है कंटिन्यू, यहां पे इन कमीनों ने मुझे गलत कपड़े दिए कंटिन्यू सरक रहे, इनके नहीं सरक रहे, देखो किधर से भी ऐसा कुछ नहीं है सरकने का, हमारे भी कपड़े ना, ये देखो पैर है ना दोस्तों, देखो पैर ऐसे 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 रखने के, प्रॉपर ऐसे 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 रखने के। अभी यहाँ पे बर्फ ने यहाँ पे जोर से पैर रखने का काम 25। ये देखो ऐसा ऐसा चील करके उतरने का, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से उतर सकते हो। ये देखो पैरों का पूरा खेल है, तेरा मेरा मेल है। लेकिन ये सर देखो परिस्थिति, देखो इंसान की परिस्थिति बहुत बुरी होती है। रानी जी आप भी उतर रहे हो? हाँ मेन ये दो फेल बैट्समैन है हमारे, दो फेल बैट्समैन। हाँ राणे उतर चल, अरे तू भी तो घसटी में आने, चला जा थोड़ा जगह। सॉरी रुको रुको, इनको उन लोगों को शूट करना है, हमें बाजू होना चाहिए। ये परिस्थिति। और गरुड़ तो उड़ भी नहीं रहा, गरुड़। मैं पहली बार बर्फ छूने जा रहा हूँ हाथ से, ये देखो पहली बार, मतलब दूसरी बार, ये देखो हाँ इतना ठंडा है, कैसे लगा शेम दिखा, कैसे नजदीक से भाई हाथ खत्म हो जाएगा रहने दे। घाणेरडा बर्फ असतो हे बघ, चढताना चाललेत मॉन्क बसले, तो मॉन्क भाऊ गाईस
अभी हम यहाँ पे आए और अभी हम एक घोषणा देने वाले हैं, ठीक है? घोषणा ये देंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ पे वो लोग हैं सिक्योरिटी वाले, वो नहीं जाने दे रहे, लेकिन यहाँ पे देखो ये इधर से पूरा घसटी मार के जा रहे लोग, रहे बहुत रिस्क ले रहे, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं शांति से जाऊंगा, लेकिन है मजे कर रहे लोग थोड़ी सी बर्फ में। यहाँ पे जितनी चाहिए उतनी बर्फ है नहीं, बट जितनी भी है उतने में एंजॉय करना अपना काम है। अच्छी जगह है दोस्तों, बट लोगों को एक चीज समझनी चाहिए। अब ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे बॉटल्स गिरी हुई है, यहाँ पे कचरा है, वहाँ पे कचरा है, बहुत सी जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। लोगों ने कैसा कचरा, मतलब अपनी बॉटल वीटल ना साथ में लो, वहाँ पे जाओ कचरा पेटी में डालो, कैसा ये यहाँ पे साफ सफाई हर कोई नहीं करने आ सकता, अपना ही काम है यहाँ पे साफ सफाई करना। वो देखो हर जगह पे बॉटल्स पड़ी हुई है, गलत है यार ब्रदर। ब्लू बीच से फिसलने फिसल के जाना, मैं भी ट्राई करता हूँ फिसल के लिए, फिसलने क्या डेंजर काम है। ब्रेक ब्रेक, अरे तो आप नहीं बन रहे, एक नंबर एक नंबर, ये फीलिंग बढ़िया है। लोग जा रहे हैं, मैं भी फिसलने का विषय ले रहा हूँ भाई, चकवात मुझे डर लग रहा है, काम कुछ चीज हो सकता है यहाँ पे, ब्रेक मारो हाथों से आगे तक। ये बढ़िया था, इन लोगों में तो सेफ लग रहा था मुझे, यहाँ पे घिसरना सेफ है। अरे भाई इतना बढ़िया शॉट था। ओह ये देखो कहाँ से आया, इजी आया पूला, आपका वाकड़ा खड़ा हुआ, रिकॉर्डिंग चालू है। ये फ्रंट कैमरा से लेने से विषय था, फ्रंट मतलब पीछे का कैमरा, कम 25 होता है, लेकिन बहुत मजा यहाँ पे वाड़ दिए सजर हो रहा है। अभी हम वो बर्फ़ से जाके नॉर्मल हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे एक जगह पे आए जहाँ पे वो होता है वो उड़ने का विषय। ये देखो उड़ रहा है, ये देखो उड़ने का विषय, ठीक है डाकू कर रही है, बट हमारी मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं मुझे थोड़ा हवा से डर ही लगता है, विमान फ्लाइट भी, लेकिन वहाँ पे वो लिख के भी ले रहे, साइन ले रहे कि अगर कुछ होता है तुम्हारे साथ तो तुम खुद जवाबदार हो, तो देख के मुझे। और लेकिन आज तक कभी हुआ, वो लोग बोल रहे कि आज तक किसी को वीज़ा नहीं पहुँची, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सेफ हुआ है, तो ठीक है देखता मैं रिस्क लूं या नहीं सोच रहा हूँ। देखो ये डाकू जा रही है, मेरी तो आवाज़ है डोरे, मुझे डर लग रहा है पता नहीं क्यों, मुझे डर लग रहा है। और ये कर नहीं रहा, ये बोल रहा है 3,500, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो और मशीन का रहता 100% बोल दो पूरा मैं हिमालय देख के आता, जिस टाइम मशीन का रहेगा ना आप देखोगे मेरा वीडियो। रानी जी आप क्यों नहीं जा रहे हो, इनकी लाइफ स्टाइल ही अलग है ब्रो। ये देखो अभी यहाँ से रोप वे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये ऊपर जाएंगे यहाँ से, काम 25 और फिर यप्पा यप्पा चल पप्पा। ब्रो लोग इतना इजीली कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग, मेरे को क्यों डर लग रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं हर चीज से लड़ सकता हूँ, तो पैराग्लाइडिंग भी नॉर्मल चीज है। और पता नहीं क्यों यार, मतलब करने की इच्छा भी है, बल एफर्ट्स लेने की इच्छा नहीं है, लाइक कि वहाँ पे जाऊँ मैं ऊपर जाऊँ। और ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं, इतना इजीली पैराग्लाइडिंग हो रही है, एकदम मस्ता पैराग्लाइडिंग हो रही है। ओ भाई साहब एकदम इजी रे, एकदम इजी। तो विषय ऐसा है कि मेरे को एफर्ट्स लेने में बोर हो रहा है, लाइक यहाँ से ऊपर जाना है, हाँ वहाँ से वो सब रस्सी विस्सी गुंडालना, मतलब मुझे डर कम लग रहा है, बट एफर्ट्स लेने में घंटा आ रहा है छू मेरी जिंदगी पे। वहाँ पे चाय बोलिए। अभी होटल में आए और होटल से निकले तुरंत, और अभी हम जा रहे हैं स्पा करने, गोवा में जो अधूरी रह गई थी वो अभी करने जा रहे, इच्छा पूरी। लेकिन ये अभी भाई और ये डाकू फुल स्पा लेने वाले, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शर्म आती है, मैं पैरों का मसाज लूँगा और शायद हेड मसाज लूँगा, देखते हैं कैसा है, मजे लेंगे। ओ ये यहाँ पे इंटरनेट मिल जाता तो मैं यहीं पे स्थायी हो जाता, मस्त वातावरण एकदम चंपाकली वातावरण। देखो दोस्तों यहाँ पे हम आए, यहाँ पे ये है कुछ लिखा है, वो नाम नहीं मुझे समझ में आ रहा है, बट है प्यारा सा है देखो, हाँ ये नाम अभी आपको दिखेगा। और यहाँ पे वो सारे फंक्शंस है, देखो इन्होंने मसाज ली और ये बोल रहे बादशाह मसाज है, तो अभी भाई एक्सपीरियंस लेने वाले और ये एक्सपीरियंस लेने वाले डाकू जी, और मैं भी पैर की मसाज लेने वाला हूँ या और डॉक्की की, बस इतना ही, बस मैं खुश हूँ।
ये देखो मैं आ गया अगो भाई, प्रॉपर खोलिए, यहाँ पे हीटर भी है और ये मेरी ये मसाज करने वाले, आप ही करने वाले हो ना सर मेरी? हाँ, ये बादशाह बादशाह इज्जत है, कमल विमल टेबल भाई। एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली लड़कियाँ मसाज करती है लड़कों की, बट मुझे नहीं जमता है, मुझे लड़कों मतलब लड़कों का पावर बादशाह रहता है, ऐसा मसल थे वो। मैं वर्कआउट करता था रेगुलरली, तब मैं वो बॉडी की मसाज लेता था, तो लड़कों से लेता तो आदत हो गई। मैं शर्माता नहीं हूँ, मुझे आदत लड़कों के पावरफुल हाथ की है। ओ ये। One hour later. मेरी डीप टिश्यू मसाज हुई, वन साइड अच्छा लगा, रिलैक्स हुआ, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ, मेरे कौन से हाथ के अंग दुखते हैं वो मुझे पता चला, जैसे कि मेरा अंगूठा, मेरा एल्बो का एरिया, शोल्डर का एरिया, बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन अभी रिलैक्स बांट रहा है। ये देखो मेरी पूरी रूम में यहाँ पे हुआ, और बंदा अच्छा था तो मुझे शर्म नहीं आई, मजा आया। अभी इनका देखते क्या विषय। कैसी लगी मसाज पब्लिक? हाँ मुलायम मुलायम क्या? नहीं, लड़कियों के भी इतना मुलायम नहीं थी। हाँ नहीं, वो तो उनकी आदत है। आपको कैसा लगा अभी भाई? काम 25 हो गया आपका? एकदम रिलैक्स किया, बहुत अच्छा लगा, पर मेरा पैर तो दुख ही रहा है। मैंने उनको बोला भी कि पैर का थोड़ा दे, पैर दुख ही रहा है, इसीलिए बोल रहा था लड़के से मसाज लेने का, क्योंकि मेरे लड़के से मसाज ली, मेरा अंग अंग उसने निचोड़। अरे बहुत ही आल्टो है, अल्टो को मस्तांग बना के भगा रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन ओवरऑल मजा आया। अभी मैंने कपड़ा नहीं पहना ना, यहाँ पे -4 है और मैं -4 में देखो कैसा घूम रहा हूँ। अच्छा क्या होता ले ठंडी वस्ते बाबू, नको बाबा। तो फाइनली अभी हम निकल रहे हैं और हम यहाँ पे ठहरे थे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, ग्लेशियर रिसोर्ट, और ये लोगों की मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी है और हॉस्पिटलिटी तो नेक्स्ट लेवल है। बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आया, यहाँ के सारे लोग ही अलग ही लेवल के। मैं अगली बार आऊँगा तो यहीं पे आऊँगा, ऐसा प्यारा होटल है। अभी निकलते हैं, अभी एक कैब बुक किए और कैब पूरे दिन के लिए बुक किए, यहीं से हम चंडीगढ़ जाएंगे कैब से, तो मज़ा आएगा, बड़ा सफ़र है, मज़ा आएगा। अभी हम हिडिम्बा टेम्पल के पास आए, यहाँ पे छोटा सा एक मार्केट जैसा, और ये देखो मैंने पहली बार ये देखा, ये क्या है? यॉक हुल्लू जी नमस्कार, हुल्लू भाई ये क्या है रे? याक है ये, मैंने बराबर बोला याक, इज्जत है। याक का दूध पिंक होता है, मुझे दूध पीना है, उल्लू होता है, मुझे याक का दूध पीना है, उल्लू होता है, एक हुल्लू होता है और एक बुल्लू होता है। बहुत तू कोने में देगा, थूक पाए तू, थूक पा नहीं, मैं थूपा बुल्लू हूँ। क्या ही माहौल है, देखो ना कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा का पूरा एकदम झकास। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ISO कम किया है ताकि आपको एकदम अलग लुक आए। हाय हाय, ये है हिडिम्बा टेम्पल और ये है यहाँ की गर्दी, वहाँ पे लाइन बहुत है, तो अंदर जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बाहर से ही घूमूंगा, सर्कल मारूंगा। हिरण के असली सिंह, असली हिरण के सिंह देखो मंदिर के चौराहे के पास लगाए हुए हैं। वहाँ यहाँ पे लाइन देखो, वन साइड लाइन लगी थी। ये जो मंदिर है ना, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये कुल्लू के राजा बहादुर सिंह है ना, उन्होंने बांधा वो मंदिर 1553 ओके, मतलब 53 वर्ष से जास्त 1553 में बांधा है, और इतने साल हो गए जैसा का तैसा। देखो नहीं तो अपना कंस्ट्रक्शन, अपने रोड बनते हैं और 2 महीने में काम 25 होता है। क्या रानी जी बराबर है कि नहीं? मेरे को में एकदम डेंजर काम है और लोग भी पावरफुल, बस बच्चा जास्त ओवर होते हैं। एक लाइक ही है लुक एट दोस पाम ट्रीज डैम। बहुत आठवण आएगी दोस्तों, दोबारा आएंगे और अगली बार आएंगे तो बर्फ के खुश के
अभी एक जगह पे आए, खाना खाया जहाँ पे बस रुकी थी ना स्टार्टिंग को, वहीं पे रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? हो रही है। तो हमने ये चीज लाई 250, अभी देखता हूँ इसके अंदर क्या है 250 में। अच्छा गावत आइस ब्रेकर मिंटोस। तो अभी अनबॉक्सिंग चल रही है। 250 250 रुपए की गोली ऐसा खोलने का कुछ तो नहीं। हाँ ऐसे। ओ भाई साहब ये क्या है, ब्राउन शुगर? बोले वो लकड़ी लकड़ी होती है ना अपन भैया जी अपना, वो क्या रहते दालचीनी, दालचीनी और वो पान के अंदर होता है वो गोड़ गोड़ वाला, नहीं वो तिखट तिखट वाला। अच्छा लवंग भी वहाँ रहता है। अच्छा बहुत आइटम है। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन गाइस थोड़ा हेल्थ के हिसाब से अच्छा होगा शायद ये। अच्छा यहाँ से मेनी है, यहाँ से मेनी मतलब रूप जितना स्टॉक चाहिए ले लो। और यहाँ से वन बाय वन ना मेरी जान बाप, इसके 250 रुपए है, मटेरियल 10 रुपए का अंदर, लेकिन अच्छा है पूरा नहीं। यहाँ पे जहाँ पे जाओ एक ही चीज है दोस्तों, पूरे जो डोंगर है ना डोंगर वन साइड कैप्चर मारे हुए, पूरे डोंगर पे वसाहत है। कहीं पे भी जाओ, मैं अभी पिछले 1-1.5 घंटे से देख रहा हूँ, हर डोंगर पे कुछ ना कुछ घर है। और ये तो देखो ये तो पूरा भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है चाइना है। हेलो, और ये वस्ती का नाम है डोंगराड़ू वस्ती। हेलो क्या ब्लॉग चालू भी कर यार, अरे इसकी लाइक ही नहीं दोस्तों, इग्नोर कर। 6-7 घंटे का सफर तय करके हम एग्जैक्टली, एक सेकंड टाइमिंग देखने, तो एग्जैक्टली 1:15 बजे अभी हम कौन सा है चंडीगढ़ यहाँ पे एयरपोर्ट पे है। और यहाँ पे एक बाकेला जी है, बाकेला जी यहाँ पे पुलिस वगैरह कुछ होती है कि नहीं? चोर, अरे भगवान मैं डर गया बाकेलाल जी, यहाँ पे कोई नहीं। वो देखो वहाँ पे दो बंदे, शमशान ये शमशान है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी ये शमशान ही लग रहा है। यहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसको एयरपोर्ट घोषित किया गया है। मुझे तो टेंशन आ रहा है विषय के, वहाँ पे आगमन लिखा है, अभी वो कुछ इशारे कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ काम 25 होगा, चांसेस है, मैं जाके देखता है क्या चांसेस है। ये देखो यहाँ पे वो पुलिस वालों ने कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, कुछ तो होगा। बाप रे, एयरपोर्ट पे जितनी सुनसान एरिया है वहाँ, इतना सुनसान तो अपना फुटपाथ भी नहीं होता रे अपने इलाके का, इतना सन्नाटा कहाँ है भाई। और ये एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही भकास वातावरण है। सर शाम में मत जाओ। सर हम गरुड़ा जी को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। बगीरा नाम है मेरा, बगीरा। बगीरा जी आप मेरे साथ ही रहिए, आप मेरे साथ ही रहिए बगीरा जी, मुझे डर लग रहा है। बगीरा के कुत्ते देखो दोस्तों, बगीरा के कुत्ते, शेर दिख रहे हैं। हाँ शेर कुत्ते जैसे दिख रहे, बट है शेरू 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 शेरू। बाप रे शेर डेंजर है। इधर एंट्री मिली, एंट्री मिली। ये देखो दूसरा गुरखा, गुरखा जी चांस है क्या अंदर जाने का? चांस है, जी बोले कि आप अंदर जाओ, ऊपर है ऊपर। हाँ ठीक है चलो, मतलब ठंड से बचने का विषय है। परिस्थिति देखो, 2 घंटे हो गए, ये अभी भाई यहाँ पे 1:30 है, ये सामान यहाँ पे पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी लोकल आने वाली है और सब लोग लोकल का वेट कर रहे हैं। देखो ये देखो सर क्या जिंदगी चल रही है, ये देखो ये देख, ए भिखारी इधर देख, ये देखो कौन है, ये देखो कंटिन्यू वेब सीरीज, बर्बाद लाइफ है। अरे एयरपोर्ट है या दादर स्टेशन है, समझ में नहीं आ रहा है। ये भकास एयरपोर्ट है इसका नाम, मैंने भकास एयरपोर्ट का नाम भकास एयरपोर्ट है गाइस। और अभी अंदर लॉन्च होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखते हैं। 6:20 की फ्लाइट है सर, 6:20 की फ्लाइट है, घर कब पहुँचेंगे ऐसा लग रहा है। फाइनली खुल गया, बहुत टाइम लगा, नींद आने लगी है भाई, लेकिन यहाँ से पहली फ्लाइट हमारी उड़ने वाली है 6:15 की। तो अभी वो वेब चेक इन वगैरह सब करने का है, मतलब टिकट निकालने का। और पीछे से ये देखो ये लोग भी आ रहे हैं सब लोग। आई गो थकावट है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। 2:25 का कुछ सफ़र है, मज़ा आएगा। लेकिन ये ऐसा भकास वातावरण, देखो ना ऐसा भकास है, भकास रेलवे स्टेशन।
ऐसा रेलवे स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन नहीं बे, ये बार बार रेलवे स्टेशन वाला ही फील देता है बे। एयरपोर्ट ऐसा ही एयरपोर्ट चाहिए, मतलब गर्दी नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स में चेक इन कराओ, काम 25, यप्पा यप्पा चल पप्पा। फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए, वहाँ पे राणे और अभिजीत बैठा है। मेरी इच्छा थी कि हम सब लोग लाइन में बैठे, बट इच्छा पूरी नहीं हो रही क्योंकि सब लोग सीट नहीं चेंज करेंगे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और थोड़ी देर में अभी फ्लाइट निकलेगी। वक्त कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता ना। अक्का व्लॉग खत्म हो गया, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा टाइम गया कैसे, क्योंकि तुम इन्वॉल्व हो चुके थे उस व्लॉग में मेरी कॉबे। इसका मतलब तुमको व्लॉग पसंद आ रहा है, और व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है। अब मैं ऐसे व्लॉग तुम्हारे साथ लाता रहूंगा, मैं घूमता रहूंगा, मैं एंजॉय करता रहूंगा, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ दूसरा एक नया व्लॉग, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।